हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं अभी सुबह पे ही खेत पे हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मिर्ची हमने जो ड्राई करने के लिए रखी थी वो अब रेडी हो गई है और हम उसको ऐसे बोरी में बंद कर रहे हैं। आओ मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये सब अच्छी क्वालिटी की मिर्ची है। जो शॉर्टिंग करके ख़राब मिर्ची थी वो हमने यहाँ रखी है। ये जो है ना तीन, उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर है वो प्रॉपर रेड नहीं है। इससे क्या होगा कि उसका प्राइस कम आएगा, इसलिए हमने शॉर्टिंग करके अलग ही रख दी है। और एकदम जो गुड क्वालिटी की मिर्ची है वो अभी यहाँ है, प्रॉपर रेड कलर की। तो अब हम दो तीन दिन में ही उसको बेचने के लिए जाने वाले हैं। और अभी ये जो मिर्ची है इसमें अभी थोड़ी बची हुई है, जो थोड़ी सी कम रेट थी, तो अब शायद 10 डेज में उसको भी हम मिर्ची में से कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। और दूसरी अच्छी बात ये है कि हमारे जो गेहूं थे इसमें अब गेहूं आने शुरू हो गए हैं, तो धीरे धीरे ये ग्रो हो गए। अभी ठंड है इसलिए थोड़े दिनों तक कम ग्रो हो गए, बाद में उसकी हाइट थोड़ी बढ़ेगी और जो गेहूं के बीज है उसकी साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ेगी। और ये अभी एक कम्प्लीटली जो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं वो येलो में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ हमारे पशुओं के लिए मकाई है, ग्रीन चारा। आप देख सकते हैं कि कॉटन भी अच्छी तरह से आ गया है। अभी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं आफ्टर कलेक्शन। तो इस साल कुछ फार्मर को अच्छा प्रोडक्शन मिला है कॉटन्स में। बहुत सारे ने तो मैंने बताया था कि ये निकाल दिया था, बट लास्ट में इसमें अच्छा प्रोडक्शन मिला है। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारा कॉटन है और उसका दाम भी इस साल बहुत ही ज़्यादा है। इससे क्या होगा कि थोड़ा मुनाफा फार्मर को होगा, ये अच्छी बात है।